हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए हिस्ट्री का 8वां चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि वही क्वेश्चन इस वीडियो में लाए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पांडुलिपि क्या होता है और इसकी क्या उपयोगिता है। तो देखिए, हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। इसका उपयोग इतिहास से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, हाथ से लिखा गया जो पुस्तक होता है ना, पांडुलिपि कहलाता है, ठीक है। और ये इतिहास में पहले चलता था, मैंने बहुत पुराने समय में ये कला बहुत प्रचलित था, ठीक। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा। तो 1295 में मार्को पोल के द्वारा चीन से इटली में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक को लाया गया। इससे हस्तलिखित पांडुलिपि के स्थान पर वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक विकसित हुई। इटली से आरंभ होकर यह तकनीक यूरोप के अन्य भागों में फैल गया। यानी मार्को पोलो जो है चीन से इटली तक लाए थे छापाखाना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटिन के द्वारा 1878 ईस्वी में लागू किया गया। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस को अंग्रेज सरकार का विरुद्ध अखबार छापने पर रोक लगा दिया गया, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन जो है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। तो गुटेनबर्ग ने जैतून पेरने की मशीन को आधार बनाकर प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। जैतून जो होता है, जैतून के तेल आप लोग सुने होंगे, उसी को पेरने वाला मशीन था ना, उसी से प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। इस मशीन में लंबा हैंडल लगा होता था। इसमें सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातुओं की आकृति को डाला गया और इन टाइपों को घुमाने की व्यवस्था भी की गई। इस प्रकार मुद्रण यंत्र का विकास हुआ, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग कौन था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंज नगर में कृषक जमींदार परिवार में हुआ था। गुटेनबर्ग ने हैंड प्रेस नामक मुद्रण यंत्र बनाया था, जिससे सुंदर, सस्ता और जल्दी छपाई करना संभव हुआ। वस्तुतः छापाखाना के आविष्कार का श्रेय गुटेनबर्ग को ही जाता है। कहने का मतलब है कि छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने ही किया था, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है। तो स्याही से लगे काठ के ब्लॉक या तख्ता पर कागजों को रख कर छपाई करने की विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, मुद्रण का इतिहास गुटेनबर्ग तक। देखिए, किस तरीका से मुद्रण का आविष्कार हुआ है, चलिए देखते हैं। मानव सभ्यता के आदिकाल में मनुष्य जो देखता था, उसे अपनी स्वाभाविक बुद्धि तथा अनुभव के अनुसार विभिन्न प्रकार से अंकित करने का प्रयास करता था। बाद में अपने ज्ञान को विभिन्न पात्रों पर करने लगा। 105 ईस्वी में टसप्लाई लून, चीन नागरिक थे, ने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाई। कपास तथा मलमल की पट्टियों से कागज बनाए, ठीक।
उसके बाद देखिएगा, मुद्रण का सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। 712 ईस्वी तक यह चीन के सीमित क्षेत्रों में भी फैल गया। 760 ईस्वी तक इसकी लोकप्रियता चीन और जापान में काफ़ी बढ़ गई। ठीक, उसके बाद जो हुआ, ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग अब पुस्तक के पृष्ठ बनाने में होने लगा था। मुद्रण कला की आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है, यानी मुद्रा का आविष्कार चीन में हुआ था। चलिए अगला जो है, 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी के मुद्रा बनाया था। 16वीं सदी तक परीक्षा देने वाला तादाद बढ़ने से छपी किताब की मात्रा भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई। 19वीं सदी तक आते आते मांग की पूरा करने हेतु शंघाई प्रिंट संस्कृत का नया केंद्र बनाया गया और हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक छपाई लेने लगा। योहान्नेस गुटेनबर्ग, तो यहाँ है टाइप के माध्यम से मुद्रण विधा आविष्कारक, वे जर्मनी के मेंज में रहते थे। ये कहने का मतलब गुटेनबर्ग के बारे में बताया गया है। उन्होंने सन 1439 में प्रिंटिंग प्रेस की रचना की, जिसे एक महान आविष्कारक माना जाता है। इनके द्वारा छापी गई बाइबिल गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।